अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सारे लोग? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। आज क्लास शुरू करने से पहले मैंने कहा 2-4 मिनट आप के मैं ले लूं। काफी दिन हो गए आप लोगों से कोई गपशप नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सभी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि हमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें, देन 2-4 मिनट मैंने आप लोगों से गपशप लगानी है, तो फिर शुएब साहब जो है ना अपनी क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। आप मुझे कंफर्म कर देंगे काइंडली कि मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है? और जी कैसा जा रहा है आप लोगों का ई रोजगार का ये वाला बैच? इसको किस तरह कंपेयर करते हैं आप लोग अपने पहले वाले बैच से? उसी लेवल का है, उससे अच्छा है या उससे लो है? अगर उसी लेवल का और उस तरह ही जा रहा है फिर तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो, मेरा शुएब साहब के साथ पहला एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब उनकी क्लास बहुत अट्रैक्टिव होती है, सारे ट्रेनर माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं लेकिन शुएब साहब की क्लास बड़ी अट्रैक्टिव है। इवन तो कि बाज़ दफ़ा मैंने अपना काम करना होता और मैं क्लास सुनने लगा तो चले जी माशाल्लाह। बस यही मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा था कि दोनों बैचेज ही अच्छे हैं। जो लास्ट टाइम आप लोगों ने गुजारा है वो भी आप लोगों का माशाल्लाह बड़ा अच्छा था, और ये वाला भी इंशाल्लाह अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। तैमूर साहब तो जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को डेली जो है ना इतना अच्छा कंटेंट जो है ना हमारी क्लास का वो प्रिपेयर करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और बड़ा अच्छा उनका लिखने का अंदाज भी है। बड़ी बात है जी आप सारे फ्रीलांसर्स के लिए कि वो टाइम निकाल के अपनी फ्रीलांसिंग में से शेयर करते हैं। हाँ बस इसी मोहम्मद आबाद मुर्तजा इसी हवाले से गपशप लगाने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के साथ अभी, क्योंकि कोर्स नए लॉन्च हुए तो ये तो डिसाइड हो गया है कि जो हमारे अब फर्स्ट पहली दफा ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको जो नई डोमेन्स है उनके अंदर तो इंशाल्लाह उन्हें चांस मिलेगा। जिस तरह आप लोगों को पहले किसी और डोमेन में से ग्रेजुएट हुए थे तो ई कॉमर्स के अंदर चांस मिला है, ये एक ही ग्रुप हमारा ई कॉमर्स का चल रहा है। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि हमारे पास माशाल्लाह अच्छी खासी एप्लीकेशन आई थी, आप खुद ही देख सकते हैं कि रोजगार अलुमनाई के अंदर कितना हमारा ग्रेजुएट, अब तो हमारा 32,000 प्लस हो गए ग्रेजुएट्स। तो ली भी हमने शॉर्ट शॉर्ट एप्लीकेशंस थी लेकिन उसमें से जो है ना हमने बड़ी स्ट्रिक्ट शॉर्ट लिस्टिंग करके आप लोगों को रखा था, प्रॉपर हमने एक टीम स्पेयर की है आप लोगों के लिए, ट्रेनर, एसएनई, लैब मैनेजर। हमारे लिए खुद बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, और अब भी इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। आप लोगों ने हमें अपना टाइम दिया, हम भी आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं जी। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एक प्रॉपर डोमेन हमने इंट्रोड्यूस करा दी है जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, और चले जी 5-6 मिनट तो पहले ही हो गए हैं लेकिन अभी भी जाना बच्चे थोड़े से कम ही आए हैं। तो खैर फिर और ज्यादा टाइम में जाया नहीं करना चाहता, मेरा बेसिकली पर्पस, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हैं आप लोगों के साथ वो लंबी डिटेल के साथ बात करने का मकसद नहीं है मेरा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ लेके आया हूँ कि कुछ दिनों से हम नोट कर रहे हैं कि आप लोगों की क्लास की जो है ना वो रिटेंशन कम हो रही है। शुरू में जिस तरह बच्चे आ रहे थे उस तरह बच्चे अब उस लेवल पे नहीं आ रहे। ऑल्दो कि मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत सारे बच्चे रेगुलर हैं, उनकी 100% अटेंडेंस का जो काउंट है ना सबसे ज्यादा इसी ग्रुप के अंदर है। ठीक है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही कि आप लोगों ने इस जो है ना आपकी अटेंडेंस परसेंटेज की जो रिटेंशन है ना उसको जो है ना लो नहीं होने देना किसी भी। आप लोगों को ईमेल्स भी शायद हमने की होंगी, आप लोग ईमेल्स मिली होंगी कि आप लोग इनरोल हो गए हो फर्दर, आप लोगों को तो आइडिया है कि वो इनरोलमेंट का हम प्रोसेस करते हैं तो हम कुछ बच्चों को रिमूव कर देते हैं। तो अभी चूंकि हमने लास्ट वीक इनरोलमेंट का प्रोसेस किया तो हमारे पास अराउंड 270 स्टूडेंट्स थे जिनमें से ऑलमोस्ट हमने 100 जो है ना स्टूडेंट्स वो रिमूव कर रहे हैं फेसबुक ग्रुप से, उनकी इनरोलमेंट हमने नहीं की और उनको हम आज या कल में ग्रुप से रिमूव कर देंगे, जिनकी बहुत कम लोअर अटेंडेंस थी, मतलब 40-50% थी। ठीक है तो बाकी जो आप लोग बच गए हैं ना, जो आप लोग हमारे साथ पंचुअल हैं कंटिन्यू किए हुए हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस चीज अपना ये जो मोरल है ना इसको डाउन नहीं होने देना।
अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखना है, और टिल द एंड ऑफ दिस बैच आप लोगों की यही अटेंडेंस परसेंटेज हमें जो है ना वो चाहिए बस। क्योंकि जो हमारे नए बच्चे, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी पहली दफा ही रोजगार में आए हुए हैं, उनके साथ तो ये थोड़ी सी डिटेल के बाद उनके स्टैट्स शेयर करके उनको समझाई, उनको सक्सेस स्टोरीज दिखाई, उन्हें मोटिवेट किया। लेकिन आप लोग पहले से मोटिवेटेड हो, इवन के आप लोग तो हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोटिवेशन है। मेरे नॉलेज के मुताबिक आप लोग सारे ही फ्रीलांसर हैं जो इस ग्रुप के अंदर है और अर्न कर रहे हैं, तो आप लोग तो खुद हमारी भी मोटिवेशन है, इवन के हमारे लिए भी मोटिवेशन है, हमें खुद खुशी होती है कि ये हमारी सक्सेस स्टोरीज है। तो बस मैंने कहा क्योंकि बाकी सारी क्लासेस के साथ अट्रैक्शन किया तो आप लोगों के साथ भी अट्रैक्शन मेरा होना चाहिए, ये ना हो गया मेरा नाम ही भूल जाए। अभी तो चूंकि आप लोग इस बैच के अंदर इनरोल है तो अभी तो आप किसी और डोमेन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते ना, ये तो यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद का प्रोसेस है कि आपको नेक्स्ट जो नई डोमेन जो है ना वो लॉन्च हुई है उसके अंदर आपको चांस मिलता है या नहीं, वो इंशाल्लाह मैं इस ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोग। एडमिशन उन दोनों डोमेन्स के ही इस जो कल से हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है उसके अंदर दोनों ही न्यू डोमेन्स का जो है ना वो एडमिशन जो है ना वो ओपन कर रहे हैं, तो उसके हवाले से जो भी अपडेट होगी आपको मिल जाएगी। क्योंकि अभी तो आप करंटली इनरोल्ड है, अभी तो अभी आप यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो देन वो उस चीज की वो इंशाल्लाह वो उसी तरह ही हमारा प्रोसेस है कि जिस तरह अभी ये बैच चल रहा है तो नेक्स्ट बैच की हमने एप्लीकेशन ले ली है, बैकएंड पे सारा वो प्रोसेस कर लेते हैं, जैसे ये बैच एंड होगा तो वो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। 50 लेक्चर्स होने हैं इस बैच के, तो आज 23rd लेक्चर है, तो ऑलमोस्ट इस वीक में हमारा हाफ हो जाएगा, हाफ ट्रेनिंग रह जाएगी, वो बाकी जो 25 लेक्चर का ड्यूरेशन होगा उसमें हमारा वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो फौरन ही जैसे ये बैच खत्म होगा तो उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बस यही मैंने आप लोगों से बातचीत करनी थी, बाकी कोई भी चीज़ हो, आप लोगों का कोई फीडबैक हो, कोई चीज़ आप लोगों ने डिस्कस करनी हो, तो इजाज़ साहब भी आए थे आप लोगों के ग्रुप में, उन्होंने अपना ईमेल भी मेरे थ्रू शेयर कराया था, तो उनके साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भी हम लोगों ने आपके साथ मैंने लास्ट वीक शेयर किया है, उस पर भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक हमें आ रहा है। तो बस रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि इस जो फुल फ्लैश भरा भरी भरा जो है ना वो ये ग्रुप मुझे नजर आना चाहिए, इस मीटिंग में जो है ना रश लगा हो, तो ये जो लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं वो रेगुलर क्लासेस लेते रहे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच श्वेब साहब, आप का मैंने टाइम लिया आज क्लास में, थैंक यू तो सो मच, अब आप जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो है। नहीं, मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ। और वॉल्यूम मैं देख लेता हूँ ऑडियो का। ये ऑडियो का वॉल्यूम बढ़ गया, अब बेहतर हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा हो गई है, अपने सिस्टम का वॉल्यूम कम कर लें, इतना तो आप खुद कर भी सकते हैं यार। हर चीज़ मुझ पर ना डाला करें, गया मैं वॉल्यूम भी बढ़ाऊँ यहाँ से, वॉल्यूम कम भी करूँ आपकी। यहाँ पे आपने फरमाइशी प्रोग्राम शुरू किया होता है। ठीक है, नहीं मैं खुद जस्ट किडिंग। रेड एंड ग्रीन जोन के अंदर ही होना चाहिए, रेड जोन में नहीं होना चाहिए, रेड जोन में तो खतरा ही खतरा है। चलें, खैर मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जितने लोगों ने आना था वो आ चुके हैं, कुछ लोग आज भी नहीं आए क्योंकि मैंने उनको, जब से मैंने क्विज का कहा है ना, क्विज लेने का, उस दिन से आप लोगों की टेंशन डाउन होना शुरू हो गई है। बहुत डरते हैं भैया आप लोग, बहुत डरते हैं। इतना इतना अल्लाह से डर लें तो आप लोगों के सारे गुनाह माफ हो जाएं। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर दे दें, मेरे पास विंडोज का नहीं है, मेरे पास मैकबुक का है। अगर आपको वो चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ, और अगर आपको वैसे ही चाहिए कोई कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप आई गेट इन टू पीसी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस बंदे ने अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, जिसने ये बनाई है अल्लाह इसका भला करे। और अगर आपको यहाँ, अगर आपको ये वेबसाइट नहीं पसंद आती तो आप लोग फेसबुक पे जाएं और सर्च बार में लिख लें, जो भी आप जो 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 चीज़ भी आपको चाहिए सर्च बार में लिखें, वो आपको चीज़ मिल जाएगी। लोगों ने गूगल ड्राइव के लिंक बना बना के ऐड किए होते हैं, तो आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। फाइल हिपो से ही मिल जाते होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं यार जुनेद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिनको खौफ खुदा भी है, तो वो मिल जाते हैं, अच्छे लिंक से मिल जाते हैं। बट आई गेट इन टू पीसी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर जैसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कि आप लोग अगर परचेज कर सकते हैं, तो एडोबे का एक स्टूडेंट वर्जन भी है, वो तो आप डाउनलोड कर लें। एडोबे स्टूडेंट ऑफर, तो अच्छी ऑफर मिल जाती है स्टूडेंट्स को।
अप टू 60% डिस्काउंट मिल जाता है, जिसमें सारी एप्लीकेशन जो डिज़ाइनर्स को ज़रूरत होती है उनकी $20 पर मंथ मिल जाती है। वैसे ये 50 to 60 dollars पर मंथ है, वैसे ये मिल जाएगी आपको $19 में। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जी सनागुल पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? 4 GB वाले लैपटॉप में चल जाएगा? चल जाएगा माद मतलब चल जाएगा। थोड़ा सा पुराना वर्जन कर लेना, नया वर्जन ना करना 21, 19, 20, वो ना करना 17, 18 वर्जन कर लेना, चल जाएगा। नहीं उमर गिलानी किसी को इस तरह से वो नहीं करते, डिसआर्ट नहीं करते, चल जाता है। 15, 16, 17 वर्जन कर लेना, चल जाएगा। अमेजोन की हंटिंग के लिए कौन सा फ्री टूल यूज़ करें गाइड करना है? अमेजोन की हंटिंग के लिए अमेजोन ही यूज़ की जाती है। फोटोशॉप 2007 ही आप इसका फोटोशॉप 2007 वर्जन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अमाद मुर्सा, विदाउट एनी इश्यूज चलेगा, बेस्ट चलेगा, बेस्ट 15 वाला भी ठीक चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सर न्यू टॉपिक कब स्टार्ट करेंगे? शॉपिफाई एंड कर दें प्लीज़। इसरार मसूद आपकी ख्वाहिश में तो शॉपिफाई एंड नहीं होगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक एंड नहीं होगा। आप जंगल स्काउट यूज़ कर सकती हैं, वो भी पेड है। आप Helium 10 यूज़ कर सकती हैं, वो भी पेड है। तो कोशिश यही की जाती है कि जो उसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ज़रा मार्केट में नई नई आई हैं, इनकी सेल ज़्यादा है, तो वो खुद आप मैनुअली रिसर्च कर लें तो बेहतर है। लेकिन उसके अमेजोन के ज़्यादातर टूल पेड ही हैं। राजा जहाँसेब खालिद, जो थी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हैं वो मैंने इस खुद से टेस्ट नहीं किया हुआ कि मैंने उनको 40 different वेबसाइट पर टेस्ट किया होगा, वो मैंने सिर्फ रैंडमली डाउनलोड किए हैं थीम्स और आप लोगों को भेज दिए हैं। उसमें मुझे नहीं आइडिया कौन सा थीम बेस्ट है कौन सा नहीं बेस्ट, वो सारे थीम ही ठीक होंगे। मैं खुद 15 यूज़ कर रहा हूँ, 4 GB रैम हो जाती है, क्रैश कर जाता है उमर गिलानी कभी कभी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल जाती हैं। वो मैंने फ्री थीम यूज़ किया राजा जहाँसेब, उसमें से मैंने कोई भी थीम यहाँ पे अपलोड नहीं किया फिलहाल। अभी हम इस तरह करेंगे, एक दो थीम ट्राई कर लेंगे क्लास में। अच्छा लोग आज सोच रहे थे, सर ने कल क्विज नहीं लिया तो आज शायद क्विज ले लें, आज हम छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता मैंने क्विज आज भी नहीं लेना, आज पढ़ना है मैंने। कलेक्शन ऐड हो जाती है बगैर प्रोडक्ट ऐड किए भी। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑर्डर मिल गया है लेकिन काम नहीं आता। सनागुल आप किसी से करवा लें, ये ऑर्डर किसी से आप करवा सकती हैं, इसमें ऐसा इश्यू नहीं है। फेसबुक पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास Helium 10 होगा, उनसे आप करवा लें, आउटसोर्स कर लें। क्विज MCQs होगा, MCQs होंगे क्विज में, यस MCQs होंगे। एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्विज आप लोगों का, एक सेकेंड सर मैं लॉग इन कर लूँ अकाउंट में अपने और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्विज आप लोगों का किस तरह का होगा। ये देखें क्विज आप लोगों का रेडी है, क्विज हर तरह से रेडी है आप लोगों का। ये देखें ये रहा क्विज आप लोगों का, ये देखें क्वेश्चंस भी एडिड हैं। ठीक हो गया क्विज, कब लेंगे क्विज? जिस दिन क्लास में 148 प्लस लोग आएंगे, जिस दिन ज्यादा लोग आएंगे उस दिन हम उस दिन मैं क्विज अनाउंस कर दूंगा, जैसे ही मैं देखूंगा ना यहाँ पे कि ज्यादा ज्यादा लोग मुझे नजर आ रहे हैं, फिर मैं फॉरन क्विज क्विज ले लूंगा। वेरी गुड, आपको पता चल गया, तो ले लें स्क्रीनशॉट, कोई मसला ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ मेरा ये जो क्विज है लीक हो जाए और आप लोग पास हो जाएं। जाहिद महमूद क्विज चेंज भी हो सकता है, तो जिसे कहते हैं ना सज्जी दिखा के कभी मारना, तो भी हो सकता है आप लोगों के साथ। तलहा कैसर, जब मेरा दिल करेगा मैं क्विज तब लूंगा। क्विज नहीं भी हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्विज नहीं भी हो सकता, ये हो सकता है क्विज चेंज हो जाए सारा, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ये सिर्फ डमी हो, ये क्विज ना हो, बस ये इतना हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि क्विज ना हो। क्विज सेशन के एंड पे होगा, फैजान अली ऐसा नहीं होगा। क्विज ईमेल हो नहीं सकता क्विज, मैं क्योंकि ऑनलाइन बना हुआ है तो इसमें मैं क्विज नहीं कर सकता ईमेल। मेरा ख्याल है कि 30, 35 के करीब क्वेश्चन होंगे, तो क्विज बहुत आसान क्विज होगा आप लोगों का, आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल आसान होगा। क्विज का टाइम होगा 1 मिनट एक क्वेश्चन, 30 questions होंगे 30 minutes, 35 questions होंगे 35 minutes, उस पर टाइमर चल रहा होगा, टाइमर चल रहा होगा। नहीं, बिल्कुल आसान होगा, यानी बच्चों वाले क्वेश्चंस होंगे, आप लोग ऐसे टिक 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 करेंगे और खत्म। आप गूगल करें जहां मर्जी करें, कोई मसला ही नहीं है मुझे, क्योंकि गूगल से ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलने नहीं है जो मैंने बनाए हैं। ये मैं उस तरह नहीं हूँ कि मैं करूँ यहाँ पे जी गूगल कर लूँ और यहाँ पे लिखूँ जी ई कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस और वहां से मैं कॉपी करूँ क्वेश्चंस को और वहां पेस्ट करना शुरू कर दूँ आंसर्स। ओपन गूगल, ओपन बुक, ओपन नोट्स होगा। अगर फेल हो गए तो आप लोगों के यहाँ पे जो है ना वो लीडर्स बोर्ड पे आप लोगों के मार्क्स यहाँ पे शो करवाए जाएंगे,
लीडर्स बोर्ड बनेगा, उसपे सबके मार्क्स आएंगे। एक लीडर्स फ्रॉम टॉप, एक लीडर्स फ्रॉम बॉटम, दोनों तरह के वो होंगे। यस, फेल लाउंज होगा, टॉपर्स का लाउंज अलग होगा। फेल वालों को इनाम मिलेगा, उनको तमगा इम्तियाज मिलेगा, और जो पास होंगे उनको निशाने हदर मिल जाएगा। नहीं, आप लोग फेल नहीं होंगे, मुझे आप लोगों पे यकीन है, आप लोग माशाल्लाह सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तमगा जरूर तुम्हें मिलेगा जो पूरे पूरे नंबरों से पास होंगे, ना एक ऊपर ना एक कम। वो तीन रह गए हैं, तीन तीन लोग रह गए हैं, वो तीन लोग रह गए हैं। मैं चले आप लोगों को इतने टाइम में, अगर तीन लोग पूरे हो जाते हैं फिर देखते हैं, इतना टाइम में आप लोगों की छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। ये तीन नंबरों वाली जो है ना, एक एक ना सिख साहब थे, तो सिख साहब क्या करते हैं कि उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, और उनके ख्वाब में आता है कि ओ सिख, तो इस तरह कर अपनी प्रॉपर्टी बेच, सब कुछ बेच, तू बेच के ना कनाडा जा। तो सिख साहब इग्नोर कर देते हैं उस ख्वाब को। अगले दिन फिर सिख के ख्वाब में वही बाबा जी आते हैं, कहते हैं सिखा तो अपनी प्रॉपर्टी बेच, सब कुछ बेच दे, कनाडा जा। सिख साहब फिर इग्नोर कर देते हैं। दूसरे तीसरे दिन फिर ख्वाब आता है सिख को, सिख को के तो सिखा तू है बेच तो कनाडा जा। तो सिख साहब कहते हैं चले, इस शायद कुदरत की तरफ से मुझे ना इशारा है कि मैं अरबपति करोड़पति बनने वाला हूँ, तो कनाडा मेरे लिए अच्छा है। सिख साहब बेचते हैं सब कुछ और कनाडा चले जाते हैं, और फिर वो एयरपोर्ट पे जाते हैं। एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं कनाडा, तो उनके फिर दिमाग में आवाज़ आती है, वो सिखा तू फलाने बाहर जा। अच्छा, सिख साहब कुदरत के इशारे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, कुदरत के इशारे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो उस बार में चले जाते हैं, उस बार में जाके बैठते हैं, और वहाँ पे ये जो जुआ होता है ना, वो चल रहा होता है। वो जो आपने देखा होगा, वो जो तीर फेंकते हैं और वो एक जगह पे जाके फिक्स होता है, लगता है तो वो सर्कल घूम रहा होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, डॉट डॉट समथिंग कुछ कहते हैं। तो वो सिख साहब को फिर आवाज़ आती है उनके माइंड में, यस डार्ट गेम, डार्ट गेम कहते हैं। तो सिख के दिमाग में फिर आवाज़ आती है, और सिख इस तरह कर, सब कुछ जेड़ा है ना, जिन्ना तेरे को पैसा है सब कुछ है, वो नौ नंबर ते ला दे, नौ नंबर ते ला दे। वो सिख साहब कहते हैं अच्छा, कुदरत की तरफ इशारा है, मेरे पैसा डबल होने वाला है। तो वो लगा देते हैं सारा पैसा अपना नौ नंबर पे। वो सर्कल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो आखिरकार जा के ना नौ के बजाय आठ नंबर पे ना रुक जाता है। सिख के माइंड में आवाज़ आती है फिर दोबारा, वो कहता है सिख तू था तो बहुत खुशकिस्मत, बट तू एक नंबर तो मार खा गए, किस्मत तेरी बहुत अच्छी सी, बट एक नंबर तो मार खा गए। यहाँ पे हम एक नंबर से मारना खा गए, यहाँ पूरे हो गए चले। खैर, क्लास के नंबर पूरे हो गए हैं, इससे पहले कि लोग छोड़ छोड़ के जाएं, हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम अपना क्विज वाला सेक्शन देखेंगे। ये तो बढ़ गए हैं इतने, क्विज की इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को, इतनी खुशी हो रही है क्विज की कि 150 हो गए हैं आज। चलें चलें, खैर हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पीओडी स्टोर हमने पढ़ा था, पीओडी स्टोर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। पीओडी स्टोर बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर होता है, कि आप कस्टमर्स को उनकी डिमांड के मुताबिक चीज़ें प्रिंट करके देते हो, जिसके लिए आपको मैंने डिफरेंट पीओडी सर्विसेज बताई थी। उसमें से एक पीओडी सर्विस थी डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट, जो हमने कल की क्लास में की थी। डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट, चलें क्लास पे वापस आ जाएं, बहुत हो गया मजाक, हंसी हंसी मजाक बहुत हो गया। आई होप आप लोग फ्रेश हो गए होंगे, और अब हम पढ़ते हैं। तो डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट मैंने किया था, इसका प्रोडक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत आसान है, प्रोडक्ट क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत आसान है। सिर्फ आप लोगों ने क्रिएट प्रोडक्ट का बटन क्लिक करना है, अपना डिज़ाइन जो भी आप डिज़ाइन आपने बनाया होगा वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है, एंड दैट विल बी प्रिंटेड ऑन शर्ट, जीन्स, रिस्ट वॉच, केसेस, वॉलेट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जिस चीज़ पे भी आपने प्रिंट करना है उसको प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो आपका डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट वाला पार्ट था। अगर मैं अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड चेक करता हूँ, और यहाँ पर मैं कस्टम प्रोडक्ट्स जो हमने कल एक मेन्यू में क्रिएट किया था, यहाँ पर आता हूँ और इस पर क्लिक किया हमने। यहाँ पर देखें मेरे पास ऑप्शन सारे आ रहे हैं, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ का, बट यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन वो नहीं आ रहा कि जहाँ पर कस्टमर अपना डिज़ाइन यहाँ पर अपलोड कर सके, अपना डिज़ाइन अपलोड कर सके। वो किस तरह करना है आज हमने वो सीखना है बेसिकली, कि वो प्रोडक्ट, उसको बेसिकली प्रोडक्ट ऑप्शन कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पर अब वापस अपने स्टोर पर आता हूँ, ऐप्स में जाऊँ एंड कस्टमाइज योर स्टोर, जो लोग डेवलपर्स हैं वो उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, वो सिस्टम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लास्ट बैच जो मेरा था उसमें एक स्टूडेंट ने बनाया था मैनुअली, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि कोडिंग करवाने नहीं बैठा हुआ, ना ही हमने कोडिंग को देखना है, हमने सारा काम मैनुअल करना है और बगैर कोडिंग के करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑप्शंस,
जैसे ही प्रोडक्ट ऑप्शन लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी प्रोडक्ट ऑप्शंस की, जिसमें कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑप्शंस, वेरिएबल वेरिएंट ऑप्शन प्रोडक्ट ऑप्शंस, वेरिएंट ऑप्शन प्रोडक्ट ऑप्शंस, ये फ्री है, ये एप्लीकेशन फ्री है। ये पेड है, इसका 14 डेज का ट्रायल है एंड देन थोड़ी सी कॉस्ट है $8-9 पर मंथ। जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं दो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ अपने स्टोर्स पे, एक तो ये इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑप्शंस यूज़ करता हूँ और दूसरी मैं बोल्ड प्रोडक्ट ऑप्शंस यूज़ करता हूँ। दो चीज़ें यूज़ करता हूँ मैं, एक इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑप्शंस और एक आपकी बोल्ड बोल्ड मैं आपको दोनों मैं दो तीन एप्लीकेशन बता दूंगा जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर योर स्टोर्स। पहले मैं आप लोगों को करवाता हूँ इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑप्शंस। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, जैसे क्लिक करेंगे एड ऐप, जितने मर्जी वेरियंट हो जाए। अब देखें ये कुछ टाइम लेगा, आपके स्टोर तक एक्सेस लेगा और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। अब एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के दो तीन तरीके हैं, ये सारी एप्लीकेशन कंपैटिबल होती हैं बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के दो तीन तरीके होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करते हैं, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन है गेट स्टार्टेड। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनको इनके जो डेवलपमेंट टीम है उसको आप ईमेल कर दें, उसको एक ईमेल कर दें एंड ये देखें लिखा हुआ ना उन्होंने कि चलें बैक करता हूँ, उन्होंने जगह लिखा हुआ था कि वो एक कोड इंजेक्ट करती है एप्लीकेशन और फिर आपको यूज़ करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखें आता हूँ, मैंने इसके यहाँ का प्लान चूज़ करना है तो मैं ये जो फ्री प्लान है इसका ये वाला चूज प्लान ये मैंने किया। मैं देखें यू विल नॉट बी बिल्ड फॉर दिस टेस्ट चार्ज, यानी 30 डेज का प्लान है। जब तक आपका स्टोर ऑफलाइन रहेगा, जब तक आपका स्टोर ऑफलाइन रहेगा यानी कि पेड मोड पर नहीं जाएगा, तब तक आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी यूज़ कर लें इसको। जैसे ही आपका स्टोर ऑनलाइन स्विच होगा यानी कि आपका स्टोर लाइव होगा, तो आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखें आपके पास दोनों ऑप्शन हैं कि या तो इसकी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन कर लें ऑटोमेटिक, या इसकी पेड इंस्टॉलेशन कर लें, पेड नहीं इंस्टॉलेशन बाय एक्सपर्ट। अब नॉर्मली हम लोग डेवलपर नहीं होते, हमें नहीं पता होता कौन सा कोड कहाँ पर करना है। अगर मैं आपको इंस्टॉलेशन गाइड दिखाऊँ इसकी, इंस्टॉलेशन गाइड हम न्यू एक उसमें ओपन कर लेते हैं, ये देखें इंस्टॉलेशन गाइड है ये रहा, कि थीम को डुप्लीकेट करें, थीम को डुप्लीकेट करें, थीम्स में जाएं, किस तरह डुप्लीकेट करना है, रीनेम करें उसको, फिर थीम नेम उसको चेंज करें, पब्लिश डुप्लीकेट थीम करें, उसके बाद एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो सारा इन्होंने आपको वन बाय वन पूरा प्रोसेस बताया हुआ। हाँ जी मैं ज़रा इंटरनेट स्विच कर रहा था, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ का इशू आ गया था। चलें खैर, अगर आप यहाँ पर देखें इंस्टॉल ऐप सारा मैनुअल प्रोसेस है। आप लोगों के पास दो तरीके हैं, या आप लोग किसी एक्सपर्ट से करवा लें, एक्सपर्ट इनके अपने ही होते हैं, इनके अपने ही होते हैं, वो क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को बड़ा स्मूथली हर तरीके से ऑप्टिमाइज करके इंस्टॉल कर देते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ उनको क्या करेंगे, गो अहेड का बटन क्लिक करेंगे, ये फ्री देखें 2 to 4 business days लेंगे, अगर $30 पे करेंगे उनको तो एक दिन में कर देंगे, तो 2-3 दिन हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू का बटन क्लिक करें, यहाँ पर देखें अपना थीम चूज करें, किस थीम पे आपने इंस्टॉल करवाना है, उसको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देनी है वो रिक्वायरमेंट दे दें एंड नेक्स्ट करें। नेक्स्ट आपसे वो आपसे स्टोर की एक्सेस मांगेंगे, जैसे आप लोग एक्सेस देते हो नॉर्मली, स्टोर की बताया हुआ आप लोगों को मैंने, स्टोर की एक्सेस मांगेंगे आपसे, आप स्टोर की एक्सेस देंगे और वो आपका थीम में ये इंस्टॉल कर देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इन एप्लीकेशन वालों का बड़ा अच्छा एक फीचर है। हम यहाँ पर मैनुअल या हम लोग किसी एक्सपर्ट से हम लोग नहीं करवाएंगे, हम खुद ही इंस्टॉल करेंगे जो इसका ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, ठीक है। स्टार्ट नाउ, किस थीम पे इंस्टॉल करनी है मैंने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने मैं देखता हूँ मैंने कौन सा थीम एक्टिवेट किया हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे थीम की कॉपी बना लेता हूँ, थीम की कॉपी बना लेता हूँ, ये डेब्यू थीम है इसकी, मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको, डेब्यू थीम को डुप्लीकेट किया, इसको रीनेम कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए मैंने इस पर हल्क ऐप्स इंस्टॉल की हुई है, ऐप्स रीनेम किया शॉपिफाई। अब यहाँ पर मेरे पास थीम नहीं शो हो रहा क्योंकि इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्या इशू है, इंटीग्रेशंस, ये रहा इंस्टॉलेशन, ठीक है इंस्टॉलेशन पे आया। स्टार्ट नाउ, यहाँ से थीम चूज किया मैंने हल्क ऐप्स वाला और इंस्टॉल, इट विल टेक सम टाइम। हल्क ऐप का फायदा क्या है,
आपका फायदा ये है कि प्रोडक्ट ऑप्शंस ऐड हो सकती हैं इसमें, ये फायदा है कि लोग अपनी अपनी इमेजेस अपलोड करके आप लोगों को भेज सकते हैं जो कि ऑर्डर के टाइम पे आपके पास नहीं आती नॉर्मली। ठीक है, मैं रिटर्न टू डैशबोर्ड। अब यहाँ पर मैं डिफरेंट ऑप्शंस क्रिएट करता हूँ, वो देख लें। मुझे भी इस पे काम किए बहुत अर्सा हो गया, जब मैंने स्टोर कभी अपना क्रिएट करवाया था तब मैंने ये ऑप्शन ऐड की थी, अब दोबारा से करने लगा हूँ। अच्छा जी, ऑप्शन सेटिंग में आया, यहाँ पर देखें मैं कहता हूँ एन टू एड न्यू डिस्प्ले नेम, क्या कह रहा हूँ, सेटिंग्स एड न्यू, मैं कहता हूँ अपलोड इमेज, इसका यूनिक नेम कह दिया मैंने अपलोड इमेज वन। टूल टिप रहने दें, टूल टिप की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे देखें सेलेक्ट ऑप्शन, क्या आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन उसको उनको देना चाह रहे हो। ठीक है, ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपलोड फाइल, अपलोड का ऑप्शन देना, मैंने उसको अपलोड फाइल का ऑप्शन दिया मैंने उसको, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मैं एक और ऑप्शन क्रिएट करता हूँ, इसमें कलर स्कीम का मैं बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड न्यू। टूल टिप होती है कि आप इस पर लेके जाओगे तो आपको बता देगा कि इसका इसका मतलब क्या है बेसिकली, जैसे किसी भी टेक्स्ट पे लेके जाओगे बता देगा इसका मतलब क्या है कि आपने करना क्या है यहाँ पे, उसको टूल टिप कहा जाता है। अच्छा खैर, मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट कलर, मैंने कलर कर दिया और हेल्प टेक्स्ट खत्म कर दिया। अब यहाँ मैं कहता हूँ मैंने ड्रॉप डाउन शो करवाना है जिसमें कलर आएंगे। ठीक है, कलर आएंगे जिसमें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ब्लैक। इसको परेशान नहीं होना, इससे मैं आप लोगों को दोबारा भी करवाऊंगा, यानी कि आपको टू टाइम्स करवा दूंगा आपको, ताकि आप लोगों को याद हो जाए चीज़ें सारी। कोई ज़रूरत नहीं एडजस्ट प्राइस करने की। ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, ये मैंने कलर्स ऐड कर दिए, इसको सेव कर दिया। ठीक है, दो चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अब मैंने इसको, ये दो ऑप्शंस मैंने ऐड की हैं अभी, अब मैंने इन दोनों को अपनी प्रोडक्ट्स पे शो करवाना है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने ऑप्शन सेट पे, यहाँ पे ऑप्शन सेट बनाना पड़ेगा मुझे। अब ऑप्शन सेट किस तरह बनेगा देखें, ऐड न्यू, यहाँ मैं कहता हूँ वन इमेज एंड कलर, ये मैंने सेट बना दिया। ठीक है, सेलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपने कौन कौन से ऑप्शन देने हैं, उसको कलर का ऑप्शन भी देना है हमने उनको, और मैंने उनको अपलोड इमेज का ऑप्शन भी देना है, यानी दोनों ऑप्शन देने हैं और दोनों रिक्वायर्ड है। जब तक कस्टमर ये चूज नहीं करेगा तब तक ऑर्डर प्रोसेस ना हो। ठीक है, इसी तरह देखें सेलेक्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट ऑल, मैं कहता हूँ मैंने कस्टम प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी की चूज करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखें प्रोडक्ट टाइप, यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट टैग, और यहाँ मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मग, जितने ये मग्स हैं उन पे यहाँ ऐड कर दो ये टैग है, मग क्यों नहीं आ रहा, यहाँ से देखें प्रोडक्ट खुद सिलेक्ट कर लें आप। अगर देखें सिलेक्ट प्रोडक्ट, ये देख ये आ गया, मैं कहता हूँ इस पे मग्स नहीं है, मग है, मग शर्ट, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, आईफोन भी कर लेते हैं, ऐड किया है मैंने इसको। अब देखें, अब जब मैंने सेट बनाया इसमें चार प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए हैं, अब उन चार प्रोडक्ट्स में मैंने प्रोडक्ट ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं, कलर और अपलोड इमेज का, मैं इसको सेव करता हूं। और अपने स्टोर को रिविजिट करता हूं, कोशिश क्या करें कि इन गोग्निटो मोड में आप अपने स्टोर को चेक किया करें, क्योंकि उसमें जो है वो समटाइम्स आप लोगों को सही से शो नहीं होगा आपकी ओरिजिनल विंडो में। यहाँ से मैं अपने स्टोर को ओपन करता हूँ, 1 2 3 कस्टम प्रोडक्ट्स पे आया। ओह शिट, ये क्यों नहीं शो हो रहा भाई, क्या वजह, क्यों नहीं शो हो रहा है, ये क्या वजह हो सकती है इसकी। वेरी गुड, हमने जो थीम, जिस थीम पे हमने बेसिकली किया था अप्लाई, उसको उस थीम को हमने एक्टिवेट नहीं किया हुआ। वेरी गुड, इस चीज़ को आपने जहन में ज़रूर रखना, उस थीम को पब्लिश नहीं किया हमने, थीम मैंने पब्लिश कर दिया है। मैं आता हूँ वापस अपने और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, पब्लिश नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है, इनकॉग्निटो 1 2 3 एंटर। एक सेकेंड यार, मैं ना इसको देख रहा हूँ कि ये थीम के साथ अभी तक कंपेटिबिलिटी नहीं है इसकी, एक सेकेंड मैं ज़रा इसको सिर्फ इसकी थोड़ी सी मैं डीबगिंग कर लूँ। नहीं नहीं, बाय इट नहीं करना पड़ेगा, एक सेकेंड यार सर, अगर हम यहाँ पर देखते हैं अपने थीम में,
में बेस्ट भी हो सकता है वो, उसकी वजह ये होती है कि कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जिसमें ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होता, कुछ थीम ऐसे होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली सही से इंस्टॉल हो जाता है। ज़्यादातर आपको जो एक्सपर्ट हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि जो इसके अपने डेवलपर्स हैं उनको पूछना, उनको बताना पड़ेगा, उनको उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी आपको अपने थीम में इंस्टॉलेशन के लिए। मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करते हैं हम लोग, थीम चेंज करके ट्राई करते हैं, थीम चेंज करके ट्राई करते हैं। हम कहते हैं कि हमने डेब्यू की जगह हमने जो ओरियो थीम है इसको हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं, ओरियो थीम पे अप्लाई करके देखते हैं, कोई और ऐप भी अप्लाई करके देख लेते हैं, वो मसला नहीं है। हम सिर्फ, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि ये थीम, ये एप्लीकेशन ज़्यादा ईजी है दूसरों की निस्बत, तो आप लोगों को ये करवा दूँ। इसमें अगर आप एक्सपर्ट से हेल्प ले लेंगे तो उसमें आप लोगों को मसला नहीं होगा कोई, लेकिन चलें ये थीम है कि हमारा ओरियो थीम जो हमने किया हुआ इस पर अप्लाई करके देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इस पर अप्लाई करने के लिए देखें सिर्फ क्या करना है, आपने ऐप्स में जाना है, हल्क ऐप्स में आए और इंस्टॉलेशन, अदरवाइज मैं चाहता तो हूँ कि आप लोगों को मैनुअल करवा दूँ, लेकिन यार आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा वो। ओरियो इंस्टॉल, ठीक है, रिटर्न टू डैशबोर्ड, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को कुछ नहीं पे करना पड़ेगा उसके लिए। अब मैं इस थीम को जो हमने जिस थीम पे अभी इंस्टॉल किया है उसको मैं एक्टिवेट कर दूँ ताकि वो थीम प्रॉपरली पब्लिश पब्लिश। अब देखते हैं अपने स्टोर पे, इनकॉग्निटो मोड में चेक करते हैं यार इसको। हाँ जी, हार्ड रिफ्रेश भी कर लेते हैं इसको, मैं अपनी कैशे कैशे क्लियर कर लेता हूँ। हमने मग ऐड किया है उसमें प्रोडक्ट ऑप्शंस में, अच्छा ये नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं, हम एक ईमेल जनरेट कर देते हैं ऐप्स वालों को, वो भी आ चले, वो भी आप लोगों को प्रोसेस समझ आ जाएगा। ईमेल जनरेट कर देते हैं और उनको कहते हैं कि इस थीम पे हमें ये सेटअप करके दो, वो खुद ही सेट कर देंगे, ठीक है। इन द मीन टाइम हम दूसरी एप्लीकेशन ट्राई कर लेते हैं। मैं इस थीम को, इस थीम की कॉपी बनाता हूँ ओरियो की, ताकि वो खुद ही सेट करके दें हमें इसको। डुप्लीकेट मैनुअल कर सकते हैं जाहिद महमूद, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों को मैं कोडिंग के उसमें फंसाऊँ, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए कोडिंग में जाना और फिर उसको करना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस पर ज़्यादा करें फोकस, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यार आप लोगों के लिए। मैनुअल कोडिंग, आपको कोडिंग पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, फाइल बनानी पड़ेगी उसमें जाके, वो है तो कॉपी पेस्ट आ रहा ही, लेकिन फिर भी जो है ना वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। लास्ट बैच में आई डोंट नो हमने किस थीम पे अप्लाई किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उस पर ईजिली हो गया था विदाउट एनी इश्यूज। बन जाओ कॉपी, बन जाओ बन जाओ। आप लोगों के पास भी इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं या कोई इशू नहीं आता इंटरनेट का आप लोगों के पास? ओरियो हल्क एप्स, चलें हम इसके लिए करते हैं उनसे कांटेक्ट, और किस तरह से होता है कांटेक्ट वो देखते हैं। मैं ऐप्स में आया और यहाँ पर इसमें आया, और ये 2-3 बिजनेस डेज नहीं लेते, बहुत जल्दी बहुत जल्दी कर देते हैं इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉलेशन पे आया, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन फ्री वाली करनी है, मैंने कंटिन्यू किया, देख लें किस थीम पे करनी है। मैंने कहना और ये हल्क ऐप्स पे करना है आपने। नेम द टेस्ट प्रोडक्ट वेयर यू वॉन्ट टू, वेयर यू नीड ऑप्शन सेटअप। मैं कहता हूँ कि तुम इस पे कर दो यार, ऑसम रेनबो फोन के इस पे, इसका नाम दे दिया मैंने। डिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, नो। नेक्स्ट किया मैंने, मुझे मैंने कुछ भी नहीं करवाना है इस पे, सबमिट, ठीक। कुछ टाइम के बाद आपके स्टोर पे ऑटोमेटिकली वो एक्सेस मांगेंगे आपसे, ठीक है, आपसे एक्सेस मांगेंगे, आप उनको एक्सेस देंगे, और कितने हम दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और उसको ट्राई करते हैं, शायद उतनी देर में एक्सेस भी आ जाए, तो आप लोगों को एक लाइव डेमो मिल जाए कि एक्सेस किस तरह देनी है आपने, ठीक है। ऐप्स में आया, कस्टमाइज योर स्टोर, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट ऑप्शंस, इसमें आया तो यहाँ पर हम ये वाली एप्लीकेशन, ये जो है वेरिएंट प्रोडक्ट ऑप्शंस, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऐड ऐप। ज़्यादा प्रोडक्ट पे वो आपने सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, जिस प्रोडक्ट जिन जिन प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट करेंगे उन पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, तो इसमें ये टेंशन नहीं होती कि आपको हर प्रोडक्ट पे मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और उसमें वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ऐड होती रहेंगी। अच्छा जी, ये किया मैंने इंस्टॉल ऐप, यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन में आया मैं। इंस्टॉलेशन आपने किस थीम पे इंस्टॉल करनी है? मैं कहता हूँ मैंने डेब्यू पे इंस्टॉल करनी है,
ठीक है, इनेबल किया। जैसे ही इनेबल करेंगे या आपके थीम के साथ ऑटोमेटिकली इम्बेड हो जाएगी। मैं ऑप्शंस में आया, ऑप्शन टेम्पलेट, यहाँ मैं कहता हूँ एक टेम्पलेट ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अपलोड इमेज, ऐड ऑप्शन, मैंने क्या उनसे ऐड करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने ऐड करवाना है फाइल अपलोड, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, इसका टाइटल आप दें अपलोड इमेज। टाइटल आपने हाइड करना है तो ठीक है, नहीं हाइड करना हमने क्योंकि लोगों को नजर आए, रिक्वायर्ड है ये टूल टिप, बाकी कोई चीज मैं नहीं ऐड कर रहा यहाँ पर। और सेव कर दिया मैंने इसको, ये हमारी एक ऑप्शन ऐड होगी। दूसरा ऑप्शन मैं ऐड करता हूँ कि योर कस्टमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन ऐड करता हूँ मैं कलर स्कीम का। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे तुम ड्रॉप डाउन शो करवाओ, और ड्रॉप डाउन में यहाँ पर चूज कलर्स, ये भी रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूँ ब्लू, ग्रीन, रेड, सेव, ठीक है, दोनों मैंने ऑप्शन ऐड कर दी। ये दो मेरे पास अभी देखें शो हो रहे हैं यहाँ पे एज इट इज, एंड सेव। ये मेरा टेम्पलेट सेव हो गया। अब देखते हैं कि हमने इसको प्रोडक्ट्स पे किस तरह अप्लाई करना है। मैं ऑप्शंस में आया, यहाँ पर चूज प्रोडक्ट ऑप्शन, मैं कहता हूँ मैंने ये अप्लाई करना है फोन पे, रिस्ट वॉच पे, चूज योर कस्टमाइजेशन मैंने ऐड करना है, एंड सेव कर दी। अब देखते हैं कि हमारा जो रेनबो फोन केस है उस पे ये ऑप्शन इनेबल होता भी है या नहीं होता। पॉपअप का भी ऑप्शन है, आप पॉपअप भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, थीम को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, जो हमारा थीम था बेसिकली। वो हाँ वो हम वो कर लेंगे, उसका मसला नहीं है तलाक ऐसा, सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आप लोगों को फ्री किसी तरह से ये जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए, किस तरह से ये ऐप बगैर कोड के आप लोगों को एम्बेड करनी आ जाए। डेब्यू एंड प्रीव्यू, हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डेटा, इसको रिफ्रेश किया हमने, और अब अपने स्टोर को चेक कर लेते हैं। जी बात है, किसी भी थीम के साथ ये कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं आ रही इसकी। अच्छा जी, अगर मैं ऑप्शंस पे आता हूँ, नहीं उस तरह नहीं होता ये यार, उस तरह नहीं होता ये। Add template and save. इनकॉग्निटो में देख लेते हैं, इनकॉग्निटो में शो हो गया यार, ये देख लो, अजीब मसला बना हुआ था। ये देखो, ये देखें प्रोडक्ट अपलोड का ऑप्शन, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट अपलोड करना चाहें वो, और आप कलर कोई भी जो भी चूज करना चाहें, एंड ऐड टू कार्ट, ठीक है, देख लें अपलोड और इमेज, आपने जो कलर्स सेलेक्ट करने हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर कस्टमर सेलेक्ट करना चाहे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको चले आप लोग एक बार फिर मैं जीरो से बता देता हूँ इसको मैं।
कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट ऑप्शंस ऐड करने हैं, किस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है, या प्रोडक्ट को किस तरह से आपने ऑप्शंस देने हैं, आप लोगों को जीरो से बता देता हूँ, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक करके हर चीज़। ठीक है, चलें ये मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा जी, ऑप्शन सबसे पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपने ऑप्शन टेम्पलेट पे आना है, पहले टेम्पलेट क्रिएट करना है कि आप बेसिकली उनको ऑप्शंस क्या देना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं उनको देना चाह रहा हूँ कि कस्टमाइज योर प्रोडक्ट ऐड ऑप्शन, पहले कौन सा ऑप्शन आपने देना है। फॉर एग्जांपल, मैंने प्रोडक्ट अपलोड का ऑप्शन देना है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपलोड योर प्रोडक्ट योर इमेज, इसको मैंने रिक्वायर्ड किया और इसको मैंने सेव कर दिया। पहला ऑप्शन तो मेरा ऐड हो गया। दूसरा ऑप्शन मैंने देना है उनको कलर्स का, तो ड्रॉप डाउन ऐड होगा, मैं कहता हूँ चूज कलर, यहाँ मैंने ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन, ठीक है, मैंने ऐड कर दिए कलर, जितने मर्जी आप कलर ऐड कर लें, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तीसरा ऑप्शन, कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमने टेक्स्ट का ऑप्शन भी देना है। अच्छा, इसको मैं टेक्स्ट का ऑप्शन भी देना है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन देना चाहें टेक्स्ट का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलें फिलहाल मैं इतना दिए दो ऑप्शन देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि टेक्स्ट पे किस तरह होता है। कैटेगरी पे नहीं ऐड होगा आसिफ, ये प्रोडक्ट्स पे ऐड होता है, आप इंडिविजुअल कैटेगरीज पे नहीं कर सकते। और एक और चीज़ गौर से सुन लें, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें फंक्शनैलिटीज कुछ कम होती हैं, जैसा कि कुछ एप्लीकेशंस मे बी सारी प्रोडक्ट्स पे एकदम अप्लाई करने का ऑप्शन ना दें, आपको मैनुअली एक एक प्रोडक्ट पे अप्लाई करना पड़े। कुछ में जैसे जो हल्क वाली एप्लीकेशन थी, उसमें आपने सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी थी सारी की सारी, और उन पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन अप्लाई हो जाएंगे। जैसे ही वो उनका जो कस्टमर सपोर्ट है उसको सेट करता है, तो आप लोगों को उसका डेमो भी दिखा दूंगा। अच्छा जी, इसको मैंने सेव किया, जो मर्जी अब इमेजेस अपलोड कर लें आप, सेव करें, कोई साइज वगैरह नहीं होता कुछ भी, ऐसे ही होता है। अच्छा जी, ये मैंने सेव किया प्रोफाइल सारा अपना। उसके बाद मैं एक और प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ ऐड अ प्रोफाइल टेक्स्ट, मैं कहता हूँ यहाँ पे यूजर को मैं ऑप्शन देता हूँ कि तुम मुझे शॉर्ट टेक्स्ट टेक्स्ट यू वॉन्ट, मिनिमम करेक्टर मैक्सिमम करेक्टर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जितना भी आप ऑप्शन देना चाहें उसको। ये मैं इसको सेव कर दिया, एंड सेव प्रोफाइल, दोनों चीज़ें मैंने सेव कर दी। अब मैं आता हूँ अपने ऑप्शंस पे, यहाँ पर ऑप्शंस में आया, अब मैंने किस किस प्रोडक्ट पे ऐड करना है इसको, ऐड ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मैंने ये ऐड करना है ऑसम रेनबो फोन केस, मैंने प्रोडक्ट को चूज किया। देखिए यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। अब देखें, यहाँ मैंने इसका ऑप्शन को चूज किया, मैं कहता हूँ मैंने इसमें कौन कौन सा प्रोफाइल ऐड करना है। मैं कहता हूँ ऐड टेम्पलेट, ये रहा टेम्पलेट मेरा, कस्टमाइज योर प्रोडक्ट, मैंने ऐड टेम्पलेट किया। मैं कहता हूँ मैंने इस पे टेक्स्ट का ऑप्शन भी ऐड करना है, ऐड टेम्पलेट कर दिया मैंने। इसको हम करेंगे सेव, ऑसम रेनबो फोन केस है, अब जाके इसको चेक कर लेते हैं इन इनकॉग्निटो मोड में, ये वाकई हमारे फोन उस पे अप्लाई भी हुआ या नहीं हुआ। सेव, अच्छा हो गया सेव, ओके। सो एंड दिस, यहाँ पर आया मैं कस्टम प्रोडक्ट्स ऑसम रेनबो, ये देखें आपका आईफोन का मॉडल, अपलोड इमेज, चूज कलर एंड टेक्स्ट, जो भी आपने लिखना है यहाँ पर, वो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आपको आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैनुअली करना पड़ेगा, बट अगर आप लोग जो हल्क हल्क एप्लीकेशन है, या दूसरी कोई जैसे प्रोडक्ट ऑप्शंस बाय बोल्ड है, ये दो एप्लीकेशन आप लोग करेंगे ना, तो उसमें आपको प्रोडक्ट सारी के सारे आप एक टाइम एकदम सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम में। मैं इस तरह करता हूँ, जो थीम हमने किया था ना, जिस थीम पे हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट ऑप्शंस या हल्क वाला, उसको एक बार फिर मैं ज़रा एक्टिवेट करके फिर देखते हैं हम लोग। यस यस यस, अथीका सईदा रुनाथर, वो भी कर लेते हैं अभी। हल्क मैं वही करने लगा हूँ यार, मैं हल्क को भी ज़रा इनकॉग्निटो मोड में चेक कर लूँ, मैं कर देता हूँ जीशान, कर देता हूँ शो ऑल। हमने उस थीम अप्लाई किया था, ओरियो थीम पे अप्लाई किया था इसको, और मैं इसको अगर पब्लिश करता हूँ, पब्लिश एप्स में आया ऑप्शन, हल्क एप्लीकेशन को भी हम देख लेते हैं यार। अच्छा जी, थीम मैंने अप्लाई कर दी है, इसको ज़रा अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लोज करता हूँ इसको मैं, ताकि हमें एक रियल टाइम एक मिल जाए। ये देखो यार, यहाँ भी ऑप्शन आ रहे हैं, देखो ठीक है। अब कस्टमर किस तरह से इसको ऑर्डर करेगा, देखो
आपने जो भी इमेज कस्टमर से अपलोड करवाना है, आप वो इमेज यहाँ पर कस्टमर अपलोड करेगा। फॉर एग्जांपल उसको कहता है ये इमेज अपलोड करना है, ओपन करें, कलर उसने जो भी करना है, टेक्स्ट जो भी लिखवाना है, जो मॉडल उसने करना है, सारी चीज़ें ऐड करेगा वो। जैसे ही ऐड करेगा तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उसको, आपके पास शो किस तरह होगा वो। मैं अपने स्टोर से ही दिखा देता हूँ आप लोगों को, जिस तरह मेरे स्टोर पर शो होता है वैसे ही आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखो यार, इस तरह से देखें आप लोगों को जो है कलर भी नज़र आएगा, कलर भी नज़र आएगा पिंक, इमेजेस भी नज़र आएंगे आपको, कलर साइज और उसका इमेज, कलर साइज इमेज मल्टीपल कलर कैसे हो सकते हैं आसिफ? बेस कलर सेम होता है, बेस कलर एक ही होता है, बेस कलर मल्टीपल नहीं हो सकते। अगर आपने मल्टीपल कलर ऑप्शन देना है तो आप उसको मल्टीपल चॉइस ऐड कर दें वहां पर, बजाय आप जो है ड्रॉप डाउन ऐड करने के मल्टीपल चॉइस ऐड कर दें आप। ठीक है, ठीक है जावेद, आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर? इस तरह से आप लोगों को कलर साइज और सारा आपको चीजें नजर आ जाएंगी, डीपीआई और ये चीजें। इतनी ज्यादा आप लोग ग्राफिक डिजाइनर हैं, इतनी ज्यादा चीजों को अटेंशन टू डिटेल इतनी नहीं देनी चाहिए जितनी आप लोग दे रहे हो। ये सिंपल चीज़ है कि आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोगों को जो है वो प्रोडक्ट ऑप्शंस आप देंगे, जो इमेज अपलोड करेगा उसको आपने कस्टमाइज करना है एंड देन आपने उसको यूज कर लेना है। आज का टॉपिक डिफिकल्ट इसलिए लगा है कि जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। मैं देखूंगा आप लोगों को, असेस करूंगा आप लोगों को, असेस करूंगा कि आप लोग कितना फॉलो करते हैं इसको, आप लोग कितना फॉलो करते हैं इसको, मैं असेस करूंगा कितना फॉलो करते हैं आप लोग। उसकी बेस पे आप लोगों को मैं इसका मैनुअल इंस्टॉलेशन ज़रूर करवा दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये करूंगा मैं आप लोगों के लिए कि आज का लेक्चर कांट छांट करके, ये जो असल ट्रिकी सेक्शन था ये सेक्शन मैं कट करके वहाँ से चंक निकाल के आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, ये जो आप लोगों ने ये जो आज का लेक्चर है ये मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा कांट छांट करके। कांट छांट करके मतलब ये कि सिर्फ वो पार्ट जो आप लोगों के लिए समझना जरूरी है, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस या यही जो हमने टाइम दिमाग में गुजारा है ना चीजों को ट्रबल शूटिंग करते हुए, इसको हम निकाल देंगे। हाँ, ऐसे एप्लीकेशन पर कोई पे नहीं करना, कोई पे नहीं करना। आप लोगों के जो एप्लीकेशन मैंने बताई हैं वो फ्री बताई हैं, आप लोग फ्री एप्लीकेशन ही यूज करेंगे। ये जो इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑप्शंस आपको बताई है मैंने, उसके अलावा आप लोगों के जो किंग प्रोडक्ट ऑप्शंस बताई है, ये दोनों एप्लीकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप दोनों यूज कर सकते हैं। ग्रुप में आप लोगों को अवेलेबल कर दूंगा ये लेक्चर। टफ है थोड़ा सा, कस्टमर इनकॉग्निटो मोड में जाएगा, कुकीज कैशे आपके सिस्टम में सेव हो रही होती है जिसकी वजह से समटाइम इशू आता है। आप लोग ऑटो इंस्टॉलेशन पहले करके देखें, एक थीम पे ऑटो इंस्टॉलेशन करके देखें, एक थीम पे आप लोग एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन करके देख लें, दोनों प्रैक्टिस करके देख लें। आप लोगों को पहले ऑटो करें फिर उसके बाद आप लोग मैनुअल कर लें, या चलें एक एक और एप्लीकेशन है वो भी देखते हैं हम लोग, कस्टमाइज योर स्टोर। मैं एक और थीम यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, एप्स यहाँ पर आया, ऑनलाइन स्टोर थीम्स। वो सिर्फ आपको थीम की वजह से इशू लग रहा है, कुछ थीम समटाइम नॉर्मली वैसे ऐसा होता नहीं कि कंपेटेबल ना हो, मैक्सिमम 99% थीम जो है वो कंपेटेबल ही होते हैं। यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ थीम, सिंपल थीम चूज कर लेता हूँ ये वाला ऐड। और ये जो ट्रबल शूटिंग इस तरह के इश्यूज डेवलपर को, अगर इस तरह के इश्यूज ना आए तो वो डेवलपर नहीं होता। इसको मैं कह देता हूँ अदर, मैं ऐप्स में आया, यहाँ पर कस्टमाइज स्टोर और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑप्शंस। यहाँ पर हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑप्शंस बाय बोल्ड, इसको मैं ऐड ऐप करता हूँ। ये भी मेरे एक स्टोर पे ये भी एप्लीकेशन चलती है। कैलेंडर वाइज प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ऑन स्टोर का बताएं, कैलेंडर वाइज क्या मतलब, क्या आपने किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको अवेलेबल करना है, बाद में उसको डिसेबल कर देना? अच्छा जी, इंस्टॉल ऐप, डॉक्यूमेंटेशन सारी होती है, मैं इसको स्टार्ट ट्रायल कर देता हूँ। तो आप क्लाइंट को मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट ऑप्शंस बाय बोल्ड है, इन्फिनिट ऐप है, हल्क ऐप्स है या किंग प्रोडक्ट ऑप्शंस है।
अब यहाँ पे देखना सब एप्लीकेशंस का प्रोसेस सेम होता है, सेम सेम सेम। पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, देखें एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया मैंने, अब एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपने। ये रहा, दो ऑप्शन है कि आप या तो किसी एक्सपर्ट से करवा लें, ये रहा कंप्लीट थीम, ये रहा एक्सपर्ट थीम अपडेट, या आप ऑटोमेटिक कर लें। ऑटोमेटिक किया तो उसने बताया, उसने पूछा थीम कौन सा यूज़ करना है, मैं कहता हूँ मैंने ये थीम यूज़ करना है एंड अपडेट। प्रोसेस सब का, सब एप्लीकेशन का सेम वैसे ही है जैसे इसका है। ठीक है रियाज, ठीक है, योर थीम कुड नॉट बी सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, देखें वो थीम अलाउ नहीं कर रहा फाइल को अपडेट करना। हम ऐसा करते हैं, हम जो हमने प्रीमियम थीम जो मैंने आप लोगों को पोस्ट किए हैं ना, हम उसमें से कोई, उसमें से कोई थीम ऐड करते हैं और उस पर इंस्टॉल करके देखते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? मुझे उसका लिंक पोस्ट करें यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के लिए पेस्ट किए थे ना। चले मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ यार कोई भी थीम इवेंट एलिमेंट से। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन ये पूछ रहे थे, उनको थीम थीम अपलोड करना नहीं आ रहा। चलो थीम अपलोड का भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। ओके, जैसे मैं यही एक डाउनलोड कर लेता हूँ थीम। नहीं यार ट्रायल नहीं है मेरे पास, मंथली है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड सर, मैं एक एक थीम को सिर्फ मैं ऐड कर लूँ एलिमेंट्स। ओके ये देखें यार, जब भी थीम आप लोग डाउनलोड करते हो, जब भी आप लोग थीम डाउनलोड करते हो, आपके पास कुछ इस तरह से फाइल्स आती हैं आपके पास थीम की, थीम का पैकेज पूरा होता है। ठीक है, ये थीम का पैकेज देखें पूरा। अब यहाँ पे आपने जो फाइल अपलोड करनी होती है, यहाँ से ये फाइल्स आपने अपलोड करनी होती है, कोई चाहे 1, 2, 3, 4, ये इसके डिफरेंट वर्जन हैं, ये आप लोग अपलोड कर सकते हैं अपने थीम अपने स्टोर पर। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं अपलोड करता हूँ अपने स्टोर पे। यहाँ पर आया, थीम अपलोड करना है, अपलोड ऐड फाइल। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मिस्टेक ये कर रहे थे कि वो लोग जो थीम की एक्चुअल फाइल थी पूरी 29 MB या 30 MB की या 40 MB की, वो लोग अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको एरर आ रहा था। तो आप लोग यस डेमो वाली कर रहे थे, या पूरा जो फोल्डर डाउनलोड हुआ था वही अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, इसकी वजह से उनको एरर आ रहा था। थीम की जो फाइल एक्चुअल फाइल होती है थीम की, आपने वो अपलोड करनी होती है। नॉर्मली जो थीम की फाइल होती है वो थीम की अपने नेम से होती है। आप लोग कुछ, आपको पता है आसिफ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इस आपको देखना चाहिए था, आपने नहीं, क्यों नहीं देखा? नहीं इसको मैं रिपीट किस लिए करूँ, ये रिपीट नहीं होता ये चीज़ें हैं। मैं आपको थीम अपलोड करके दिखाता रहा हूँ बार बार, नहीं सॉरी, फोकस रखा करें अपना। इधर कौन सी फाइल आपने अपलोड करनी है, थीम की एक्चुअल फाइल आपने अपलोड करनी है, देख लें। थीम ओपन करेंगे, थीम के पैकेजेस, यहाँ पे थीम की सोर्स फाइल्स होंगी, ये फाइल्स आपने अपलोड करनी है। इसमें से कोई एक फाइल जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आप चाहते हैं अपने स्टोर पर अप्लाई करना, वो आपने अपलोड करना है। अच्छा जी, हमारा थीम ऐड हो गया, अब हम देखते हैं कि इस पे अप्लाई होता है या नहीं होता। जो हमने एप्लीकेशन बाय बोल्ड की हुई है, तो यहाँ पर अप्लाई होती है या नहीं होती। नॉट ऑप्शंस बाय बोल्ड, नॉट इंस्टॉल, होम पर आया मैं, इंस्टॉलेशन कहाँ गई, कहाँ गई यार, ये देखें यहाँ पे आया हेल्प लिक्विड इंस्टॉलेशन बिगिन ऑटो अपडेट। थीम सेलेक्ट करें अपना, जो भी आपने थीम सेलेक्ट करना है अपना अपडेट। अगर ये ऑटो कर देगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसके जो है सपोर्ट टीम को मैसेज कर देंगे एंड वो हमारे थीम को कंपेटेबल कर देंगे इस एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, थीम सक्सेसफुली अपडेटेड, ये देख लो प्रीमियम थीम था तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, सक्सेसफुली अपडेट हो गया। आप देखते हैं किस तरह से, देखें क्रिएट प्रोडक्ट ऑप्शंस, मैंने क्लिक किया, अब प्रोसेस का वही है। पहले आपको यहाँ प्रोफाइल बनाना, सेट बनाना पड़ेगा, चूज योर ऑप्शन सेट। सेट क्या बनेगा देखिए, मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू ऑप्शन, यहाँ मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अपलोड प्रोडक्ट, ये अपलोड इमेज,
आपने क्या उसको ऑप्शन देना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपने इसको फाइल अपलोड का ऑप्शन देना, ये फाइल अपलोड सेलेक्ट कर लिया मैंने, सेव, मैंने एक और ऑप्शन देना है यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि यहाँ मैंने कलर चूज कलर ड्रॉप डाउन, अब ड्रॉप डाउन में यहाँ पे हम वैल्यूज ऐड कर देंगे, जो वैल्यूज जो भी वैल्यूज हम ऐड करें करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पर ब्लू ग्रीन रेड, मैं तीन ऑप्शंस ऐड करती हूँ फिलहाल के लिए, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब यहाँ मैं एक और ऑप्शन देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ चूज या राइट सेलेक्ट, यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, चेक बॉक्सेस हैं, शॉर्ट पैराग्राफ हैं, टेक्स्ट पैराग्राफ है, नंबर है, ईमेल है, जो भी आप देना चाहें, शॉर्ट टेक्स्ट ये मैंने कर दिया एंड सेव। तीनों रिक्वायर्ड हैं, ये रिक्वायर किया मैंने, अब मैंने प्रोडक्ट चूज करनी है, मैंने किस किस प्रोडक्ट पे लगाना है, मैंने यहाँ इसको मैं और नाम दे देता हूँ, अब इमेज प्लस कलर प्लस टेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे इमेजेस चूज कर अपने प्रोडक्ट चूज करनी है, कौन सी प्रोडक्ट है सिलेक्ट, जो जो जिस जिस प्रोडक्ट पे लगाना है मैंने, इस पे लगाना है, इस पे लगाना है, इस पे लगाना है, जो जो प्रोडक्ट आप चूज करना चाहें उस पे लगा दें सिलेक्ट, ये सारी प्रोडक्ट्स आपके चूज हो गई हैं, और इसको आप सेव ऑप्शन सेट कर देंगे, तो आपका ये ऑप्शन सेट सेव हो जाएगा, उस पर ये सारे के सारे ऑप्शंस, ऑप्शन सेट इज वेटिंग टू बी रीसिंक्ड, ठीक है, कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, रीसिंक करेगा, और आपका ये ऑप्शंस आपकी प्रोडक्ट्स पे शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं अपने थीम को एक्टिवेट करते हैं, जो थीम हमने अप्लाई किया, थीम्स तो $19 पर मंथ भी तो है ना समीना शरीफ, $19 पर मंथ है ये हमारा थीम एक्टिवेट हो गया, इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, देखते हैं कि क्या हमारे पास शो हुई है या नहीं, कस्टम प्रोडक्ट्स में आया और यहाँ पर मैंने इसको चूज किया, अभी नहीं शो हो रही, हम इसको इनकॉग्निटो मोड में चेक कर लेते हैं या ब्राउजर चेंज करके चेक कर लेते हैं, उसमें शो हो जाएगी ज़रूर। पार्टनर प्रोग्राम के लिए फ्री नहीं है, आप 15 दिन के लिए इसको फ्री ट्रायल आप लोग देख सकते ले सकते हैं, इसका 15 दिन आप लोगों को ट्रायल मिल जाएगा इसका, बाकी ये फ्री नहीं है, प्रीमियम है एप्लीकेशन, पेड चीज़ इसीलिए पेड होती हैं और फ्री चीज़ें इसीलिए फ्री होती हैं कि उनमें फंक्शनैलिटी बड़ी लिमिटेड होती है, $29 उसका पे करेंगे, $19 इसका पे करेंगे, एग्जैक्टली ऐसा ही है। मीना श्री मैंने उस एप्लीकेशन को कभी यूज़ नहीं किया फ्रेंकली स्पीकिंग, अभी इस पे अप्लाई नहीं हुआ, इट विल टेक सम टाइम, उसमें उन्होंने सिंक का टाइम उन्होंने दिया हुआ पहले ही, इट विल टेक सम टाइम लाइक कपल ऑफ मिनट्स या मे बी 10-15 मिनट्स लेने वो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके स्टोर पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल रही है और इंस्टॉलेशन हो गई है उसकी, फाइल्स मैंने चेक की हैं तो इंस्टॉलेशन हो गई है, लेकिन अभी फ़िलहाल शो नहीं हुई, जैसी शो होती मैं आप लोगों को उसको बता दूंगा। तो मैंने आप लोगों को 3-4 एप्लीकेशंस बता दी हैं, आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑप्शंस, प्रोडक्ट ऑप्शंस बाय बोल्ड, वेरिएंट प्रोडक्ट ऑप्शन, वेरिएंट प्रोडक्ट ऑप्शंस फ्री एप्लीकेशन है, आप लोग इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोर पे विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशंस पेड हैं, इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑप्शंस उस टाइम तक पेड है जब तक आपका स्टोर, उस टाइम तक फ्री है जब तक आपका स्टोर लाइव नहीं जाता, जब आपका स्टोर लाइव चला जाएगा उसके बाद ये पेड हो जाएगी, एंड देन फिर आपके पास प्रोडक्ट ऑप्शन बाय बोल्ड है जो कि बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है, मैं इसको आज से नहीं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एप्लीकेशन बहुत स्मूथ चलती है और कभी ये मेरे साथ इशू नहीं आया ऐसा इस एप्लीकेशन में, और इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑप्शन में मैं 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी कभी कोई इशू नहीं आया मुझे किसी किस्म का भी, तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर लें, अपने स्टोर को बनाएं, अपने स्टोर को सेट करें,
प्रैक्टिस करें इसकी, ब्रॉड ऑप्शंस की, जो भी आप लोगों को इश्यू आता है मुझसे पूछ लें, कोई प्रॉब्लम आता है वही मुझसे डिस्कस कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो आप लोगों ने ही है। आज का लेक्चर थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगा होगा, क्योंकि आज के लेक्चर की ना थोड़ा सा मैं ये सोच के आया था कि अगर मैं आप लोगों को चाहता ना तो मैं एक प्री प्री सेट प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में लेके आ जाता, और मैं यहाँ पर जैसे नॉर्मली लोग और लोग करते हैं कि वो प्री सेट हर चीज़ लेके आ जाते हैं और कहते हैं देखें जी ये मैंने प्रोडक्ट ऑप्शन ऐड किया, ये मेरे स्टोर पे शो हो रहा है, ये मैंने ऐड किया है मेरे स्टोर पे शो हो रहा है। लोग नॉर्मली उसकी बैकएंड जो गलतियाँ हैं, बैकएंड मिस्टेक्स हैं, वो नहीं बताते कभी भी कि वो बैकएंड बेसिकली वो इंस्टॉल कैसे किया, एक्सपर्ट से हेल्प कैसे ली, कोड को कैसे इंजेक्ट किया, प्रोडक्ट ये देखिए ये शो हो गई है प्रोडक्ट ऑप्शंस, ये देखें ठीक है, चूज फाइल कलर और टेक्स्ट कौन सा लिखना है, ये तीनों चीज़ें शो हो गई हैं हमारी, ये रही देखिए तीनों चीज़ें, चूज फाइल टेक्स्ट को कलर कौन सा है और टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट आपको चाहिए, वो तीनों चीज़ें शो होगी। अब देखें, अब एक्सपर्ट से इंस्टॉलेशन का जो फायदा है वो ये होता है, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, चलें ये देखें, एक्सपर्ट से इंस्टॉलेशन का फायदा ये होता है कि नॉर्मली ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आनी चाहिए नीचे टाइटल के नीचे, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके टाइटल के नीचे आनी चाहिए। अब उसने क्या किया, कोड इंजेक्ट जब ऑटोमेटिकली हुआ, उसने ये किया कि उसने जहां उसको स्पेस मिली ना उसने वहां शो करवा दिया, जहां उसको बताया गया कि यहां तुमने करना है इंजेक्ट, उसने यहां शो करवा दिया। अब जब आप एक्सपर्ट से लेंगे ना इसकी हेल्प, जब आप एक्सपर्ट से हेल्प लेंगे ना तो वो उसको इसके नीचे ही इंस्टॉल करेगा, उसके नीचे ही ऐड करेगा, ठीक है, तो एक्सपर्ट से हेल्प लेने का फायदा ये हो जाता है। तो बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि जो जो गलतियां मैं करूं या जो जो गलतियां नॉर्मली आप लोग करेंगे वो क्लास में आप लोगों के सामने ही प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों के सामने ही हो, ताकि आप लोगों को पता हो, एक्सपर्ट से चैट नहीं होती, उनको बस मैसेज किया जाता है जैसे मैंने आप लोगों को कहा है। एक्सपर्ट कहाँ से लेकर आए हैं अधीर, अभी अभी तक आपको ये चीज समझ नहीं आई कि एक्सपर्ट कहाँ से लेकर आए हैं, हद हो गई यार। आप लोगों को फ्री सोर्स मैंने बताया है फाइवर से, हद हो गई है यार, पता नहीं आप लोग सो रहे होते हैं यार क्लास के दरमियान, क्या कर रहे होते हैं, कौन सी आप लोग ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जो आप लोगों को ये चीज अभी तक समझ नहीं आई कि एक्सपर्ट से हेल्प कैसे लेनी है। आप लोगों को मैंने फ्री सोर्स बताया है यार, हद हो गई है, आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन इन्फिनिट एप्लीकेशन में जाएं, यहाँ पर जाएं और इसको यहाँ से हेल्प ले लें, उसकी इंस्टॉलेशन हेल्प ये रहा, इंस्टॉलेशन ये एक्सपर्ट हेल्प है, गो हैड एंड फ्री, आपको फ्री हेल्प मिल जाएगी। आप लोगों को मैंने क्लास में करके दिखाया है कि किस तरह से आपने फ्री हेल्प लेनी है एक्सपर्ट्स, इन्फिनिट प्रोडक्ट ऑप्शंस है, उसके अलावा प्रोडक्ट ऑप्शंस बाय बोल्ड है, उसमें जाएं, यहां पर आएं, लिक्विड इंस्टॉलेशन, यहां भी आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग एक्सपर्ट से हेल्प ले लें, ये रहा देखें एक्सपर्ट थीम अपडेट सर्विस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को थीम आपको सर्विस देती है, और विद इन ईयर एंड 1 to 3 days लिखा होता है, ये विद इन आवर्स आप लोगों को सेट करके दे देते हैं, विद इन आवर्स, वीकेंड हो तो टाइम ले लेते हैं, अदरवाइज ये फॉरन आप लोगों को कर देते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि जो गलतियां नॉर्मली एक डेवलपर करता है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर हो, मैं प्री सेटअप चीज़ें ना लेके आऊँ जो कि एक बिल्कुल एक डमी सी चीज़ लगे, आप लोगों को सारी बैकएंड की सारी चीज़ें समझ आएँ, बैकएंड सारा पता चले कि एक्सपर्ट से हेल्प कैसे लेनी है, आपने मैनुअल इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, ऑटो इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, सेट कैसे बनाने हैं, उसके अलावा आपने प्रोडक्ट को ऐड किस तरह करना है बोल्ड ऑप्शंस के साथ या किसी भी एप्लीकेशन के साथ, और वो शो किस तरह करवाना है अपने प्रोडक्ट्स में। तो ये बेसिकली मकसद था आज की इन गलतियों का, इन चीज़ों का, अदरवाइज ये सारी चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे स्टोर्स पे इंप्लीमेंटेड है, फ्री हेल्प मिलती है आपको बिल्कुल। आपने यहाँ पे देखें उसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ स्टाफ अकाउंट फॉर सपोर्ट एट बोल्ड कॉमर्स डॉट कॉम, ये देखें कॉपी, आई हैव क्रिएटेड अ स्टाफ अकाउंट, सबमिट रिक्वेस्ट। अब अपने स्टाफ अकाउंट कैसे क्रिएट करना है पता है आप लोगों को, स्टाफ अकाउंट का पता है कैसे क्रिएट करना है, आपने सिर्फ यहां पर जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाना है और यहां पर आपके पास यूजर्स का सेक्शन है, कहां गया यूजर्स का, ये रहा यूजर्स एंड परमिशंस, ठीक है, ऐड स्टाफ, यहां पर उसका नाम ऐड करें, ऑप्शंस बोल्ड ये लिखा मैंने उसको, आपने किस किस चीज़ की एक्सेस देनी है, थीम की एक्सेस देनी है आपने उसको, आपने उसको एप्स की एक्सेस देनी है,
आगे एप्स, नेविगेशन की, डोमेन की, और प्रोडक्ट्स की एक्सेस देनी है उसको आपने, बस ये एक्सेस देनी है आपने उसको, और किसी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन आ रही है, आपने उसको सिर्फ इस एप्लीकेशन की एक्सेस देनी है एंड सेंड इनवाइट, और वो आपके स्टोर पे सही तरह से इम्प्लीमेंट कर देंगे उसको। ठीक है, क्लियर? चलें, आप लोगों के लिए ये लेक्चर जो है आज वाला, ये मैं कांट छांट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह आज ही शाम तक। अभी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तीनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, और वीकेंड पे आप लोगों के लिए असाइनमेंट है एक, यानी आप लोगों को एक कंप्लीट पीओडी स्टोर क्रिएट करना होगा, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे जरूर। मार्केटिंग एक्सेस नहीं देनी है आपने, रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च वैसे ही होंगी जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं। सेपरेट क्रिएट करना चाहें सेपरेट क्रिएट कर लें, एग्जिस्टिंग पे करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग पे कर लें, जिस तरह से मर्जी कर लें आप लोग। लेक्चर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा 24 आवर्स के लिए, यानी नेक्स्ट क्लास तक। आज शाम को मैं अपलोड कर दूंगा तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। सोबिया जमी, आपने एक डेवलपर को मार्केटिंग की एक्सेस क्यों देनी है? मार्केटिंग की एक्सेस डेवलपर को देना बनता नहीं है। मोहम्मद अहमद, मैं अपलोड कर दूंगा ग्रामरली, क्योंकि मैंने अब जब ग्रामरली शेयर करना है ना, उन्होंने दो जब 250-250 लोगों ने लॉग इन करना है ना उसको, एकदम उन्होंने मेरा अकाउंट भी ब्लॉक कर देना है, और अब आप लोग ही बैठे रहेंगे, मैं ही बैठा रहूंगा, तो मैं सिलेक्टेड लोगों के साथ मैं खुद ही शेयर कर दूंगा जिनको चाहिए, जो कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं। हर किसी को नहीं मिलेगा, जो कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। मुझे मुझे पहले प्रूव करना होगा आप लोगों ने कि आप लोग कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, तो आप लोगों को मिल जाएगा, हर किसी को जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, जो कंटेंट राइटर उनको मिल जाएगा। सारे प्लीज ब्लॉग राइटर ना बन जाना, ठीक है? चलें ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम पीओडी को ख़त्म कर देंगे, फिनिश, और कल की क्लास में भी कोशिश करेंगे कि हम लोग 5 से 6 प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे अपलोड करके एक लैंडिंग पेज बनाएं, और लैंडिंग, और मैं ये भी करूँगा, आप लोग ये चीज़ जहन में रखिएगा कि मैं एक स्टोर से 15-20 प्रोडक्ट्स अपलोड करके आपको, आप लोगों के सामने आऊँगा कल, ताकि हम लोग एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकें, लैंडिंग पेज बना सकें। एक क्लास में 20-30 प्रोडक्ट्स अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऑटो ऑटो किसी तरह से करके मैं अब प्रोडक्ट्स ऐड कर दूंगा, और फिर हम लोग उसको करेंगे खत्म। शॉपिफाई कितना और है? शॉपिफाई 1 महीना और चलेगा, आप लोग बोर होते रहे, मैं आप लोगों को बोर करता रहूंगा, मैंने 1.5 महीना 2 महीने शॉपिफाई पढ़ाते रहना एंड तक। चलें, थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। मोहम्मद आसिफ, कहाँ से लेंगे यार, पीओडी वाले खुद प्रोवाइड करेंगे आपको, पीओडी वाले आपको आपको खुद प्रोवाइड करेंगे वो, नहीं विदाउट कोडिंग नहीं पॉसिबल।